ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैजेट्स वर्ल्ड। मेरा नाम है उज्जवल और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करने वाला हूं Asus ZenFone 5 Lite को, Huawei Y9 2018 को एंड Redmi Note 5 Pro को। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के लास्ट में आपको अल्टीमेटली खुद पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा अंडर 18,000 रुपीस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन्स का डिस्प्ले। Asus ZenFone 5 Lite में आपको 6 इंच फुल HD डिस्प्ले मिलेगा विद 18:9 एस्पेक्ट रेशियो। Huawei Y9 में आपको 5.93 इंच फुल HD डिस्प्ले मिलेगा विद 18:9 एस्पेक्ट रेशियो। Redmi Note 5 Pro में आपको 5.9 इंच फुल HD डिस्प्ले मिलेगा विद 18:9 एस्पेक्ट रेशियो। इन तीनों स्मार्टफोन्स का डिस्प्ले काफी अच्छा है। अब कंपेयर करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर एंड GPU की। Asus ZenFone 5 Lite में आपको Qualcomm Snapdragon 630 मिलता है विद Adreno 506। Huawei Y9 में आपको Kirin 659 मिलता है विद GPU Mali T830 MP2। Redmi Note 5 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon 636 मिलता है विद Adreno 509। इन तीनों स्मार्टफोन्स में Redmi Note 5 Pro का प्रोसेसर काफी अच्छा है। अब कंपेयर करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन्स में सॉफ्टवेयर की। Asus ZenFone 5 Lite और Huawei Y9 दोनों ही में आपको लेटेस्ट Android 8.0 Oreo का अपडेट मिलता है। Redmi Note 5 Pro में आपको Android 7.1.2 Nougat का अपडेट मिलता है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं इन तीनों ही स्मार्टफोन में रियर कैमरा की। Asus ZenFone 5 Lite में आपको ड्यूअल 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विद एपर्चर 2.2 एंड वाइड एंगल 120 डिग्री। Huawei Y9 में आपको 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विद एपर्चर 2.2 एंड 2.0। Redmi Note 5 Pro में आपको ड्यूअल 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विद एपर्चर 2.2 एंड 2.0। इन तीनों ही स्मार्टफोन में Asus ZenFone 5 Lite का कैमरा काफी अच्छा है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं इन तीनों ही स्मार्टफोन में फ्रंट कैमरा की। Asus ZenFone 5 Lite में आपको ड्यूअल 20 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा विद एपर्चर 2.0 एंड वाइड एंगल 120 डिग्री। Huawei Y9 में आपको ड्यूअल 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा विद एपर्चर 2.0। Redmi Note 5 Pro में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा विद एपर्चर 2.2। इन तीनों ही स्मार्टफोन में Asus ZenFone 5 Lite का फ्रंट कैमरा काफी अच्छा है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं इन तीनों ही स्मार्टफोन में बैटरी कैपेसिटी की। Asus ZenFone 5 Lite में आपको 3300 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलेगा। Huawei Y9 और Redmi Note 5 Pro दोनों ही में आपको 4000 बैटरी कैपेसिटी मिलेगा और इन तीनों ही स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन्स में अलग अलग वेरिएंट्स की प्राइसिंग की। Huawei Y9 3GB RAM प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले का प्राइस पड़ेगा अप्रॉक्सिमेटली 16,000 रुपीस। 4GB RAM प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले का प्राइस पड़ेगा 17,000 रुपीस। Asus ZenFone 5 Lite आपको दो अलग अलग वेरिएंट से मिलेगा। 3GB RAM प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले का प्राइस पड़ेगा 16,000 टू 17,000 रुपीस एंड 4GB RAM प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले का प्राइस पड़ेगा 17,000 टू 18,000 रुपीस। Redmi Note 5 Pro आपको दो अलग अलग वेरिएंट से मिलेगा। 4GB RAM प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले का प्राइस पड़ेगा 14,000 रुपीस एंड 6GB RAM प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले का प्राइस पड़ेगा 16,000 रुपीस। सो फ्रेंड्स, अब लास्टली मैं बात करता हूँ मेरे सजेशन एंड ओपिनियन की। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, बेटर डिस्प्ले चाहिए, बेटर प्रोसेसर चाहिए तो आप ZenFone 5 Lite ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेटर प्रोसेसर चाहिए, बिग बैटरी चाहिए एलोंग विद अच्छा कैमरा चाहिए तो आप Redmi Note 5 Pro ले सकते हैं। ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको वैल्यू फॉर मनी है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।